नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर केंद्रित कार्यक्रम नेताजी कहें। मैं ललित सिंह राजपूत और आज हमारे साथ हैं धरसींवा से बीजेपी प्रत्याशी पद्मश्री और छत्तीसगढ़ सिनेमा के सुपरस्टार अनुज शर्मा जी। जी नमस्कार। नमस्कार अमर उजाला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार विधानसभा क्षेत्र में आप लगातार दौरा कर रहे हैं, इस बार मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे हमारे ढेर सारे हैं जी। हम हर विवाहित महिला को 1,000 रुपया हर महीना देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिन्हें घोषणा पत्र में तय किया। धान की कीमत और धान की खरीदी हम 21 क्विंटल करने जा रहे हैं और 3100 रुपये के हिसाब से। ऐसी ढेर सारी योजनाएं हमारे घोषणा पत्र में हैं और इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है प्रदेश की जनता। इस बार आप किन वादों के साथ जनता के बीच में उतर रहे हैं? कई वादों की तो बात कर रहा हूँ, ये सारे वादे होंगे हमारे और हम इन वादों को पूरा करेंगे क्योंकि मोदी की गारंटी है। जी जी। आपके प्रत्याशी घोषित होने के दौरान जो कि विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोग असंतुष्ट नजर आ रहे थे, विरोध प्रदर्शन भी किए थे, बाद में आपने ऐसे क्या उन्हें दवा दे दिया, क्या ऐसा मंत्र दे दिया कि सभी लोग चुनाव प्रचार प्रसार में एकदम जी जान से लगे हुए हैं? क्या देखिए, क्या होता है भारतीय जनता पार्टी में टिकट मांगने का हक हर किसी को है जी, और जब हमारे यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो जाते हैं उसके बाद हर कोई मिलजुल कर काम करता है जी। अभी भी विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, इसे कैसे दूर करेंगे? क्योंकि निष्क्रिय नेतृत्व मिला इस क्षेत्र जी जी, और जो हमारे विधायक उन्होंने क्षेत्र का ध्यान नहीं दिया, विकास के मामलों में क्षेत्र काफ़ी पीछे जी। आप विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने जाते हैं तो विकास के मुद्दे क्या होंगे? विकास के मुद्दे ढेर सारे हैं। सलियारी में उनको फ्लाई ओवर बनवाना है, स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, स्कूलों को अपग्रेड करना है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं, सड़कों की मरम्मत करनी है, नई सड़कों का निर्माण करना है, ऐसी ढेर सारी समस्याएं जो विकास में बाधा है, इन सब चीज़ों को दूर करना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में हमारा फोकस जी जी। अभी भी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से विकास कार्य पूरे हो चुके हैं, बहुत सारे विकास कार्य अधूरे हैं, इसको लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है, इसे कैसे दूर करेंगे? इस सरकार ने विकास का कोई भी काम नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 सालों में खड़ा किया जी, उसी पर प्रदेश अभी तक टिका हुआ है और इन 5 सालों में जो विनाश हुआ है अब उसको फिर से संभालना पड़ेगा। लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है, इसे टारगेट किलिंग भी करार किया जा रहा है, आप क्या करते हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट करके हत्या की जा रही। नेता ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को गांव में मत आने देना, मार देना, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने 65+ का टारगेट दिया था, इस बार क्या लेकर चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। कांग्रेस ने 75+ का टारगेट दिया है, उनके इस संकल्प को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? उनका संकल्प टूट चुका है, पहले दौर का मतदान हो गया और उनको 5 संकेत मिल गए होंगे जी जी। हाँ, पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, इसमें आप बीजेपी अपने आप को कहाँ पर पाते हैं? आप देखिएगा कहाँ पर आएगा नतीजा जी। और वो वेव जो है दूसरे दौर के मतदान में भी दिखाई देगा। आप राजनीति में भी कदम रख चुके हैं, फिल्म भी बनाते रहते हैं, तो फिल्म और राजनीति दोनों में समन्वय कैसे रखते हैं? देखिए, पहली प्रायोरिटी अब राजनीति होगी जी जी। सिनेमा मैंने साल किया है, कभी समय मिला कुछ काम कर लिए बात अलग है, लेकिन प्राथमिकता तो मेरी अपना है जी। आप धरसींवा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहूँगा कि युवा नेतृत्व को चुनने का अवसर है जी। आप देखेंगे कि हमारे सामने जो प्रत्याशी हैं वो 20 सालों की राजनीति में भी कभी सक्रिय नहीं रहे, यानी क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। एक युवा नेतृत्व को अवसर देने का मौका है और धरसींवा में जो लोगों के अंदर उत्साह दिखाई दे रहा है, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।